नमस्ते, मैं आकाश और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। सो व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे? एक्चुअली 1982 में एक वॉर हुआ था इन लेबनन, जिसे हम लोग लेबनन वॉर से भी जानते हैं। सो उस वॉर में बहुत सारे इनोसेंट बच्चों की जान गई थी एंड मेनी ऑफ देम सफर्ड फ्रॉम मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फिजिकल हैरेसमेंट। सो कीपिंग दिस ऑन माइंड, On 19 अगस्त 1982, UN General Assembly ने एक मीटिंग बुलाई जिसका मेन फोकस था इस वायलेंस से शिकार हुए इनोसेंट बच्चे। सो उस मीटिंग से ये डिसाइड हुआ कि हर साल 4th जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। चाइल्ड अब्यूज हमें आज भी देखने को मिलता है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में, जिसका मेनली शिकार 2 से 14 साल के बच्चे होते हैं। लास्ट 2 डिकेड में ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा बच्चे इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हुए। चाइल्ड अब्यूज बच्चों के मेंटल हेल्थ पर एक बहुत गहरा असर पड़ता है, जिस कारण से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये यूनिसेफ पब्लिश डेटा है, आप देख सकते हैं इसमें कंट्री वाइज कितने परसेंट बच्चे फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज का शिकार हुए हैं। ब्राउन कलर स्ट्राइप रिफ्लेक्ट्स द चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज, येलो स्ट्राइप रिफ्लेक्ट्स चिल्ड्रन सफर्ड ओनली फ्रॉम साइकोलॉजिकल अब्यूज एंड वायलेट कलर स्ट्राइप्स रिफ्लेक्ट चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम फिजिकल अब्यूज। हमें चाइल्ड अब्यूज जैसे घिनौने अपराध को रोकना होगा, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो हमारे देश के भविष्य है। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह का चाइल्ड अब्यूज होते हुए नजर आए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।